गाइस आप सभी का स्वागत है चटपट टॉय टीवी के नए वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में ना भाई एक ऐसी कार खरीद के लेके आ चुका हूँ जिसको देखने के बाद आप कंप्लीटली शॉक होने वाले हो पूरी तरीके से। गाइस ये है ब्रांड न्यू अबू धाबी रेसिंग आरसी कार। एक्चुअल में ये हाइपर गो की तरफ से है। तो भाई ये जो कार है अबू धाबी से मैंने मंगवाई है, ये एक रियल रेसिंग कार है। इसको मैंने 24,000 रुपीस में खरीदा है। आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास बहुत सारे हाइपर गो की रेसिंग आरसी कार्स है, तो आज उनके साथ ये कार की रेस कराएंगे। देखते हैं गाइस ये नई जनरेशन 2024 की कार क्या पुरानी जनरेशन कार से फास्ट है या फिर नहीं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है गाइस। देखो आज मैं आ चुका हूं हमारे खेतों के अंदर। देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या चीज दी गई है कि ये कार इतनी ज्यादा स्पीड चल सकती है। पहले इसको अनबॉक्स करेंगे। मेरे को तो लग रहा है गाइस आज काफी ज्यादा मजा आएगा इसको चलाने पे और रेस वगैरह कराने में। पीछे से तो यार ये बिल्कुल एक स्विफ्ट जैसी ही दिखाई दे रही है। चलो फटाफट से बॉक्स को यहाँ पे मैं रख देता हूँ और बॉक्स को हम लोग खोलेंगे यहाँ से। आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो गाइस जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से दबा देना। ये ओपन हो चुका है बॉक्स, बॉक्स को रखते हैं साइड में। यहाँ पे इसके अंदर दो दो बॉक्सेस मिले हैं, एक छोटा बॉक्स है एक काफी ज्यादा बड़ा वाला बॉक्स भी मेरे को मिला है। तो पहले ये बड़े वाले बॉक्स को ही खोलते हैं, देखते हैं जिसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। अरे बाप रे क्या ही ग्राफिटी वगैरह की गई है यार कार के ऊपर। देखो गाइस यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये शायद अबू धाबी का लोगो वगैरह दिया गया है। सामने अबू धाबी बोल के दिया गया है, सिट्रोइन रेसिंग है। साइड में यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह चिपका सकते हैं। पीछे की तरफ से लुक बिल्कुल एक स्विफ्ट जैसी ही दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ देखो काफ़ी बड़ा स्पॉइलर भी इसके अंदर दिया गया है। सामने यहाँ पे स्कूप्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, हेडलाइट्स भी देखने को मिलते हैं, टेल लाइट्स भी देखने को मिलते हैं। दिखने में कार काफ़ी ज़्यादा रगड़, बहुत ज़्यादा कमाल की मेरे को लग रही है। और क्या क्या चीज़ें इसके साथ दी गई है वो दिखा देता हूँ। ढेर सारे स्टिकर्स दिए गए हैं कार के ऊपर चिपकाने के लिए। ये यूज़र गाइड है। अब यहाँ पे एक और बक्सा है, इसको भी एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये बॉक्स इस तरफ से ओपन हो जाता है और ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। जैसे कि हर एक हाइपर गो कार के अंदर रिमोट होता है, वैसा ही रिमोट इसके अंदर भी दिया गया है। तो भाई साहब देखो ये कार के साथ एक मैं बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। वापस से मैं घर में आ चुका हूँ ये एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो एक काम करेंगे, इसके रिमोट के अंदर का जो चिपसेट है इसको निकाल के डालेंगे ये वाले स्टीयरिंग के अंदर। ये स्टीयरिंग बिल्कुल रियल कार में जैसा स्टीयरिंग होता है वैसा ही बनाया गया। ये स्टीयरिंग मेरे को कोई दूसरी कार के साथ मिली थी। अगर ये अमेजोन पे मिलेगी तो यार उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से अगर आप चाहते हो ये वाली स्टीयरिंग को भी खरीद सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये जो रिमोट है इसको मेरे को भी पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा और ये स्टीयरिंग को भी खोलना पड़ेगा। अगर ये कामयाब हो गया ना मजा ही आ जाएगा ये रेसिंग कार को चलाने में। ये तो मैंने इसको निकाल दिया है, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको भी निकालना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे वायर्स वगैरह होते हैं, अच्छा इसको यहाँ से निकालना पड़ता है। इधर बहुत सारे स्क्रूज है, इसको मैं खोल लेता हूँ गाइस फटाफट से। ये ओपन हो चुका है और ये भी ओपन हो चुका है। पूरे यूट्यूब पे ही मेरे को नहीं लगता किसी ने भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आज से पहले किया होगा। सारे स्क्रूज को मैंने खोल लिया है, अब इसका चिपसेट निकालते हैं गाइस बाहर। अरे इसके अंदर तो काफी सारी चीजें हैं, देख रहे हो इसके अंदर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो फटाफट से खोल दूंगा, इसको खोलना काफी ज्यादा इजी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम स्क्रूज दिए गए हैं। इसको खोल देता हूं मैं यहां से। ओके मेरे को लग रहा है कि इसको फिट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि देखो इसके अंदर तो स्पेस की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। जस्ट मेरे को इसको निकालना है, यहाँ पे लगाना है, बाकी ये जो वायर्स जोड़ना है ना भाई ये काफ़ी ज़्यादा सरदर्द वाला काम मेरे को लग रहा है क्योंकि देखो इसके अंदर बहुत ही कम वायर्स दिए गए हैं और इसके अंदर तो भाई वायर्स की भरमार है। तो ये जो चिपसेट है मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये कार का रिमोट तो मैंने पूरी तरीके से खोल लिया है गाइस। यहाँ पे और थोड़े वायर्स वगैरह हैं, ये इसका एंटीना का केबल है, ये निकल नहीं रहा था यार जब से, देखो मैंने इसको अभी निकाला है। तो अभी ये जो पूरा का पूरा चिपसेट है इसको मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा। तो गाइस हमारी जो स्टीयरिंग है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अब बाहर जाके एक बार टेस्ट करके देखते हैं गाइस क्या ये स्टीयरिंग से ये कार चल पाएगी या फिर नहीं। ओके गाइस अब टाइम है इसको टेस्ट करने का, मैं बाहर आ चुका हूँ, ऑन करते हैं इसको। ऑन हो चुकी है कार, बिल्कुल एक रियल कार जैसी आवाज इसके अंदर आ रही है क्योंकि इसके अंदर मैंने एक स्पीकर भी लगा दिया है। हॉर्न तो काफी ज्यादा सॉलिड है यार, मजा आ रहा है भाई। अब देखो ये इसका गियर नॉब है,
यहाँ से मैं इसको न्यूट्रल में कर सकता हूँ, रिवर्स में कर सकता हूँ, ड्राइव में कर सकता हूँ। ड्राइव मोड में मैंने डाल दिया है, एक्सेलरेट करते हैं। ये देखो भाई साहब, चल रही है अपनी कार। अभी ब्रेक भी लगा के बताता हूँ, एकदम खतरनाक तरीके से रुक रही है। देखो जैसे ही ब्रेक लगा रहा हूँ, एकदम सडनली ये रुक भी रही है, यानी कि इसका एक्सेलरेटर सही तरीके से काम कर रहा है, ब्रेक भी सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर वगैरह भी चल रहा है, यानी कि इसका स्टीयरिंग एकदम इससे मैच हो चुका है, ठीक है। अब इसको रोड के ऊपर भी एक बार चला के देखते हैं। ये ड्राइव मोड में मैंने इसको डाल दिया है, स्टार्ट। भाई साहब क्या ही चल रही है यार, जैसे ही मैंने पंजा दबाया है ये एकदम रॉकेट की तरह निकल चुकी है। यहाँ से मैंने इसको टर्न करा लिया है, वापस लेके आते हैं। ये देखो गाइस आ चुकी है हमारी कार, भाई क्या ही ड्रिफ्ट वगैरह मार रही है यार। जैसे ही पंजा दबा रहा हूँ ना यार, ये एकदम खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट भी मारने लग रही है। ये देखो गाइस मिट्टी में भी मस्त तरीके से ड्रिफ्ट मार रही है यार। थोड़ा सा चप्पल पहन के चलाने में इसको मेरे को दिक्कत आ रही थी, चप्पल मैंने उतार दी है। आप देखो गाइस इसका मैं हाई स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ से टर्न कराते हैं, एकदम एक्सेलरेट देके फुल स्पीड में टच कर रहा था मैं। ओह माय गॉड, सीधा कार आके मेरे भाई के पैर पे टकराई है। ओह गाइस देख रहे हो, दो उंगलियों पे से कार निकल गई थी यार, इतनी ज्यादा चोट लग चुकी है मेरे भाई को। भाई इसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है अभी, मतलब ये कार बहुत ज्यादा खतरनाक है। ब्रेक लगाने के बाद देखो गाइस कार 500 मीटर दूर जाके रुकी है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ओ माय गॉड, ये तो एकदम रॉकेट बन चुकी है, रॉकेट भाई साहब। देख रहे हो गाइस स्पीड इतनी ज्यादा खतरनाक है कि प्रॉपर तरीके से कार तक नजर नहीं आ रही है। ओके, नो डाउट कार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अब एक काम करते हैं, देखो आज इसके साथ रेस कराने के लिए ये इतनी ढेर सारी कार्स मैं लेके आ चुका हूँ, ये सभी की सभी बजट में आने वाली हाई स्पीड RC कार्स है। एक एक करके दिखा देता हूँ। ये है हाइपरगो 14209, ये 16210 है, ये 14301 है, ये 14302 है। बाकी देखते हैं गाइस आज की रेस में कौन सी कार हमारी ये हाइपरगो को आज रेस में हरा पाएगी। तो सबसे पहले जो रेस होगी इन दोनों के बीच में होगी, देखते हैं गाइस दोनों में से कौन जीतता है रेस को। चलो दोनों को यहाँ पे मैंने रख दिया है, स्टार्ट। वाओ गाइस, दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। हाइपरगो सिट्रोइन पहले राउंड में काफी आराम से जीत चुकी है। अभी टर्न करा के लेके आते हैं। ओ तेरी भाई, दोनों के बीच में एक छोटी सी टक्कर हो गई थी, पर यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो गाइस हाइपरगो सिट्रोइन अबू धाबी कार बहुत ज्यादा फास्ट है। मेरे को नहीं लगता कि ये दूसरी कार इसको बिल्कुल भी यहाँ पे पकड़ पाएगी। ये कार तो यहाँ पे निकल भी चुकी है, ये कार अभी तक नजर तक नहीं आ रही गाइस, मेरे को लगता है कहीं क्रैश हो गई होगी। तो क्लियरली गाइस यहाँ पे हाइपरगो सिट्रोइन कार ये वाली रेस को काफी आसानी से जीत चुकी है। देखते हैं गाइस अब इसकी रेस कराएंगे दूसरी सुपर फास्ट कार के साथ। ओके दोस्तों, ये रही वो कार जिसकी मैं रेस कराने वाला हूं अब इसके साथ। ये दिखने में थोड़ी बहुत थार जैसी दिखाई देती है। चलो रेस को स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 स्टार्ट। और ये दोनों के बीच में जैसे ही रेस स्टार्ट हुई है हाइपरगो सिट्रोइन ने इसको धक्का मार के थोड़ा सा ट्रैक से बाहर कर दिया था। गाइस ये कार तो काफी है भाई, अरे मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस से ये हार रही है। यहाँ पे भी हाइपरगो सिट्रोइन बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है और ये दूसरी रेस को भी जीत चुकी है। ओके गाइस अब रेस कराते हैं हाइपरगो 14303 वर्सेस हाइपरगो 14301 के बीच में, देखते हैं अब कौन जीतता है। भाई ये कार मेरे को इसके बराबर की कार लग रही है गाइस। चलो रेस कराते हैं, 3-2-1 स्टार्ट। भाई साहब देखो दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे हैं यार, दोनों की लाइट चल रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कौन सी कार किधर चल रही है। ओ तेरी भाई, स्किड मार दिया इसने, वापस से दोनों को टर्न कराते हैं। ये क्या था यार, 14301 आगे आगे चल रही है। ये देखो गाइस वापस से यहाँ पे अपनी नई हाइपरगो ने बाजी मार ली है। यहाँ पे जैसे ही मैंने दोनों को ब्रेक अप्लाई किया था कुछ तो गड़बड़ हुई है यार, ये 14301 बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है और थोड़ा सा ये मिट्टी में क्रैश भी हो गई थी। ओ भाई ये क्या हो गया इसके साथ, अरे बाप रे गाइस इसका तो डॉग बोन ही अलग हो चुका है यहाँ से, मतलब इतना ज्यादा डैमेज होगा छोटा पत्थर टकराने से, मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। गाइस एक बार बहुत बड़ा पत्थर भी ये कार से टकरा चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस उस टाइम यार इसने पत्थर को ही दो टुकड़ों में तोड़ के रख दिया था और कार को कुछ भी नहीं हुआ था गाइस। और साथ में देखो गाइस 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इस तरीके से ग्लाइड भी कर सकती है। ये फीचर आपको सिर्फ ये वाली कार के अंदर ही देखने को मिलेगा, पर इसको तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं यार, देखो कहीं से भी ये डैमेज नहीं हुई है। तो गाइस चलो अभी इन दोनों के बीच में पुशबैक कराते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया है,
इसके साथ मैंने इसकी रेस इसीलिए नहीं लगाई गाइस, मेरे को पता है कि ये कार इसको भी काफी आराम से हरा देगी। बाकी देखते हैं पावर टेस्ट में दोनों में से कौन जीतता है। ओके स्टार्ट करते हैं। अभी दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेलने में लगे हुए, उतने में ही न्यू हाइपरगो कार ने 14302 को साइड में उठा के पटक दिया है। भाई स्पीड तो इसकी काफी ज्यादा खतरनाक है, बिजली की रफ्तार से इसने इसको गिरा दिया है। इसके अंदर भी देखो कुछ तो टूटा है, एक टायर इसका घूम नहीं रहा है, सिर्फ तीन टायर ही यहाँ पे घूम रहे हैं। यार आप लोग ये हाइपरगो 14302 को कम मत समझना, देखो इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा है। इसके सामने जो भी कार आती है बिजली की रफ्तार से सामने वाली कार को ये एकदम पटक के रख देती है। ये कार 14301 से भी स्पीड तरीके से ड्रिफ्ट मार सकती है। इसकी स्पीड पता है गाइस इस वक्त 70 से 80 किलोमीटर पर आवर है। देखो गाइस किस तरीके से रोड के ऊपर ग्लाइड करती हुई ड्रिफ्ट मार रही है। अब यहाँ पे मेरे पास ट्रैक्सेस की मैक्स है, इसके साथ ड्रिफ्ट कराने के लिए ट्राई करते हैं। ये देखो जैसे ही मैं इसको ब्रेक अप्लाई करके ड्रिफ्ट कराने के लिए ट्राई कर रहा था, ये कार बार बार क्रैश हो रही थी। यहाँ तक की ट्रैक्सेस की आप कोई भी कार ट्राई कर लो गाइस, इसके जैसी ड्रिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। हाइपरगो 14301, हाइपरगो 14302 ये बहुत ही ज्यादा कमाल की कार है। हाई स्पीड में इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है ड्रिफ्ट करने के मामले में। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं क्या ये न्यू हाइपरगो अबुधाबी सिट्रोइन कार ये थार जैसी दिखाई देने वाली हाइपरगो को पुशबैक में हरा पाएगी या फिर नहीं। ये कार के टायर्स के ऊपर तो ग्रिप काफी तगड़ी दी गई थी, पर फिर भी देखो गाइस भाई इसकी जो पावर है बहुत ही ज्यादा लाजवाब मेरे को लग रही है। ठीक है पुशबैक में तो ये बार बार जीत रही थी, अब देखते हैं गाइस क्या ये कार से टग ऑफ वॉर में ये जीत पाएगी या फिर नहीं। भाई साहब इसने तो इसको थोड़ी देर तक रोक के रख दिया था, पर यहाँ पे काफी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ने के कारण देखो गाइस ये वाली हाइपरगो भी इसके सामने हार मान चुकी है। भाई साहब इसने तो भाई इसको काफी आराम से घसीट लिया है अपनी तरफ। ये कार वापस से जीत चुकी है पुशबैक में भी और टग ऑफ वॉर में भी। दोस्तों अब ये स्टॉक रिमोट के साथ भी कार को एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ओ भाई कंट्रोलिंग थोड़ी सी गड़बड़ा चुकी है, ब्रेक सही तरीके से नहीं लग पा रहा है ये रिमोट के साथ। बाकी गाइस मैंने जो स्टीयरिंग में रिमोट डाला था ना यार वो काफी ज्यादा कमाल का था, उसके साथ चलाने में भाई अलग ही मेरे को मजा आ रहा था आज। ठीक है गाइस ये कार मैंने कहाँ से खरीदी है वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वेबसाइट mrchobbies.in से मैंने इसको खरीदा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको एरोप्लेन्स वगैरह भी मिल जाएंगी। ये रही वो कार, यहाँ पे आप आकर डायरेक्ट चेकआउट करके इसको खरीद सकते हो। बाकी गाइस मैंने अभी तक जितनी भी ट्रैक्सेस की और आर्मा की कार्स खरीदी है वो hobbycentral.in वेबसाइट से ही खरीदी है। आप अगर ट्रैक्सेस की कार्स खरीदना चाहते हो या फिर आर्मा की कार्स खरीदना चाहते हो तो आपको वो हॉबी सेंट्रल की वेबसाइट पे ही मिलेंगी। ठीक है गाइस यहाँ से आप चाहे तो खरीद सकते हो। ओके आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है बिरेन, सचित, शुभ, अभिजीत, अमन, रामलाल, अनमोल, आरुष, रिंदोम, नौशाद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पे कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।